आज मैथ्स की टीचर्स 50 स्टूडेंट्स को मैथ्स के मार्क्स शेयर करने वाली है और सारे बच्चे काफी दहशत में थे और सबसे ज्यादा दहशत में था गुल्लू नाम का लड़का, क्योंकि उसको टेंशन था कि वो पास होगा या फेल होगा। तो यहाँ पे टीचर्स ने बताया कि जो पेपर्स में मार्क्स मिले उनमें काफी अनोखा पैटर्न देखा गया। यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स होने वाले 40 होने वाले और किन्हीं भी दो स्टूडेंट को सेम मार्क्स यहाँ पे नहीं मिले हैं। रोल नंबर वन को 100 मिले हैं, रोल नंबर टू को मार्क्स 98 मिले हैं, रोल नंबर थ्री को 96 मिले हैं, रोल नंबर फोर को 94 मिले हैं। और ये एक पैटर्न देखा गया कि दो बच्चों के बीच में जो डिफरेंस था मार्क्स का वो 2 मार्क्स का था। तो यहाँ पे देखे जाएंगे तो फर्स्ट स्टूडेंट को अगर 100 मिले तो गुल्लू ने सारे मार्क्स को अरेंज कर लिया और पैटर्न को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले स्टूडेंट को 100 मिले, दूसरे स्टूडेंट को 98 मिले तो गुल्लू ने 98 को 100 माइनस 2 करके लिख लिया। उसी तरीके से थर्ड को 100 माइनस 4, 100 माइनस 6, 100 माइनस 8। तो गुल्लू ने इस पैटर्न को और समझने की कोशिश की तो 100 को लिखा 100, 100 माइनस 2 को लिखा 100 माइनस 2 इंटू 1, 100 माइनस 4 को लिखा 100 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये पैटर्न को लिखने के बाद गुल्लू को ये समझा कि जिसका रोल नंबर 4 था उसके एंड में आ रहा है 3, जिसका रोल नंबर 5 था उसके एंड में आ रहा है 4, इसका मतलब जिसका रोल नंबर 6 होगा उसके एंड में आएगा 5। तो उसने 5 को किस तरीके से लिखा, 6 माइनस 1 करके। इसका मतलब रोल नंबर 6 था तो एंड में आएगा 6 माइनस 1, और अगर रोल नंबर किसी का एन होगा तो एंड में आएगा एन माइनस 1। तो एन रोल नंबर के मार्क्स होंगे 100 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1। गुल्लू ने देखा कि पासिंग मार्क्स 40 है तो देखते हैं 40 वाले का रोल नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देगा, मार्क्स के आगे लिख देगा 40, और अब यहाँ पे एन पता करने की कोशिश करें। एन पता करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ये इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 को यहाँ भेज देंगे और पूरे मामले को यहाँ भेज देंगे साइन चेंज करके। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 और ये हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1। 100 में से 40 माइनस करेंगे 60 बचेगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा एन माइनस 1। 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 30 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर एन का वैल्यू हमें मिल चुका रहेगा 31। तो जिसका रोल नंबर 31 होगा उस बच्चे को मार्क्स मिल रहे होंगे यहाँ पे 40, और गुल्लू का जो रोल नंबर था वो था 33। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो 31 से नीचे वाले रोल नंबर है वो सारे बच्चे पास हो चुके हैं, और 31 के आगे वाले मतलब 32, 33 वो सारे बच्चे फेल हो चुके हैं, और गुल्लू का रोल नंबर था 33। लेकिन यहाँ पे इस बात का दाद देना पड़ेगा, गुल्लू ने मैथ्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया अपने मार्क्स का पता करने के लिए, लेकिन अभी तक गुल्लू के मार्क्स पता नहीं चले। बस अभी हमें इतना पता चला कि गुल्लू फेल हो गया है। अभी आपको बताने कि गुल्लू के कितने मार्क्स मिले होंगे अगर उसका रोल नंबर 33 है तो।